इसराइल और लेबनान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को लेबनान समर्थित हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। रॉकेट इसराइल के हाइफा शहर के पास गिरे थे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्ला के उपनेता नईम कासिम ने खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया। हिजबुल्ला ने हमला इसराइल की ओर से लेबनान पर किए गए हमलों के जवाब में किया है, जिसमें हिजबुल्ला कमांडर से दर्जनों लोग मारे गए थे। हिजबुल्ला के उपनेता नईम कासिम ने कहा कि रॉकेट हमला इसराइल के साथ अब खुली लड़ाई की शुरुआत है। हम स्वीकार करते हैं कि हमें दुख हुआ है, हम इंसान हैं, लेकिन जैसे हमें दुख हुआ है आपको भी दुख होगा। हाइफा के पास एक शहर कियार्ट बलिक में एक आवासीय इमारत के पास एक रॉकेट गिरा। इसमें 4 लोग घायल हो गए। इमारतों और कारों में आग लग गई। हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल उत्तर में सुरक्षा बहाल करने और लोगों को अपने घरों में लौटने की अनुमति देने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेगा। कोई भी देश अपने शहरों में बेतहाशा बमबारी को स्वीकार नहीं कर सकता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम पिछले लगभग एक हफ्ते से बढ़ रहे सभी तनावों को बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं। हम इसे पूर्ण युद्ध बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। वहीं इसराइली सेना ने कहा कि हमने पिछले 24 घंटों में लेबनान में रॉकेट लॉन्चरों सहित लगभग 400 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इसराइली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदव शोशानी ने कहा कि उत्तरी इसराइल में सैकड़ों हजारों नागरिक आग की चपेट में आ गए हैं। हालांकि उसने इराक की दिशा में दागे गए कई हवाई उपकरणों को रोका भी था। हमलों के बाद पूरे उत्तरी इसराइल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने विभिन्न लेबनानी क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले बार बार इसराइली हमलों के जवाब में हाइफा के दक्षिण पूर्व में रमत डेविड एयरबेस के दर्जनों फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने हाइफा में राफेल रक्षा फर्म की सुविधाओं को भी निशाना बनाया था। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हुए बम धमाकों के बाद हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने कहा कि इसराइल ने लेबनान में नरसंहार किया है। ये जंग के ऐलान की तरह है। ये हमला कर इसराइल ने रेड लाइन को पार कर दी है। हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि इसराइल ने पेजर को निशाना बना करके हमला शुरू किया था। वो जानता था कि लेबनान में 4,000 से ज्यादा पेजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल ने हजारों लोगों के साथ उनके आसपास मौजूद लोगों को मारने की कोशिश की। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक सिर्फ हिजबुल्ला लड़ाकों पर नहीं किए गए, ये धमाके अस्पतालों, बाजारों, घरों, निजी वाहनों पर भी हुए। इनसे हजारों महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए हैं। हसन नसरल्लाह ने कहा कि इस तरह के हमलों से हिजबुल्ला डरने वाला नहीं है। उनका समूह जानता है कि इसराइल के पास तकनीकी बढ़त है क्योंकि अमेरिका और अन्य महाशक्तियां उसके साथ हैं। हिजबुल्ला चीफ ने दावा किया कि संगठन हर चुनौती का सामना कर फिर अपना सिर गर्व से ऊंचा करेगा। अपने वीडियो में नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्ला टूट नहीं सकता है, चाहे उस पर हुआ आघात कितना भी बड़ा क्यों न हो। हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि इसराइल ने जो किया है वो नरसंहार है, लेबनान के लोगों और देश की संप्रभुता के खिलाफ जंग का ऐलान है। हसन नसरल्लाह ने दावा किया कि इसराइल हजारों लोगों को एक साथ मारना चाहता था। गनीमत थी कि कई पेजर सेवा से बाहर थे, कई बंद थे और कई दूसरे जगह रखे हुए थे, लेकिन इसराइल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जिस तरीके से नरसंहार का मन इसराइल ने बनाया है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।